हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेवॉन हेयर सीरम एंड ट्रिक्स हेयर सीरम के रिव्यूज शेयर करूंगी। जी हाँ, ये सीरम कैसे हैं, कैसे नहीं, आपको खरीदने चाहिए कि नहीं, अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपके लिए यूजफुल होंगे भी नहीं, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो जी हाँ, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा एंड तक, और वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो आइए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मेरे पास लेवॉन हेयर सीरम एंड स्ट्रिक्स हेयर सीरम है। अब बात करते हैं दोनों के पैकेजिंग आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छी है, टॉवल फ्रेंडली है, आपको जरा से भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी बड़ी बॉटल है क्योंकि मैं इसे रेगुलर यूज करती हूँ, तो ये बड़ी बॉटल है। और इसका जो प्राइस है 150 रुपीज है और शेल्फ लाइफ 3 सालों की, और क्वांटिटी है इसकी 50 ml। जी हाँ, 50 ml के लिए आपको 150 रुपीज पे करने पड़ते हैं। और स्ट्रिक्स की बात करूँ तो इसकी जो क्वांटिटी है और प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। जी हाँ, आपको 25 ml मिल रहा है सिर्फ 55 रुपीज के आसपास। तो जी हाँ, इतने में आपको मिल रहा है 55। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, आप इसके लिए ट्रेवल फ्रेंडली, जैसे मैंने बोला अफोर्डेबल है, आप इसे बेशक ट्राई कर सकते हैं। लेवॉन में आपको 50 रुपीज के आसपास मिल जाती है इसका छोटी पॉकेट। तो इस तरीके की बात हो गई पैकेजिंग, दोनों की पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और ट्रेवल फ्रेंडली है, इजी टू यूज है। जी हाँ, अब बात करते हैं दोनों क्लेम क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं विटामिन लेवॉन की। तो लेवॉन सीरम क्या करता है, आपके बालों को सिल्की शाइन हेयर देता है। इसमें विटामिन ई है, विटामिन ई आप सब जानते हैं हमारे बालों के लिए कितना अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं स्ट्रिक्स हेयर सीरम की। तो स्ट्रिक्स हेयर सीरम में वॉलनट ऑयल मिला हुआ है जो आपके बालों को पॉलिश करता है, सिल्की शाइनी एंड मैनेजेबल बनाता है, जो सारे हेयर सीरम क्लेम करते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं मेन की टेक्सचर क्या है और ये दोनों असल में काम करते हैं कि नहीं काम करते। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं स्ट्रिक्स हेयर सीरम की, और आप इसे ध्यान से दिखेगा, मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। तो मैंने इसकी 3 से 4 ड्रॉप ली और इस आप बात करते हैं तो आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे तो इजिली ग्लाइड हो रहा है, लेकिन जो टेक्सचर जो इसका है बहुत ज्यादा लाइट नहीं है। जी हाँ, इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा हैवी है, जैसे ऑयल्स वगैरह आते हैं उस तरीके से इसका टेक्सचर है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें बहुत ही कम क्वांटिटी में इसे अप्लाई करें, क्योंकि गर्मियों का दिन है, बाल वैसे ही ऑयली होते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा लगाएंगे तो आपके जो बाल अच्छे होने की जगह आपके बाल खराब हो जाएंगे, मतलब आपके बालों में से जैसे लगेगा आपने ऑयल लगा रखा। तो हमेशा कम ही लगाएं, 3 से 4 ड्रॉप अगर आप लगाते हैं तो ही लगाएं। और वैसे भी सीरम लगाने का जो सही तरीका ये होता है कि आप अपने बालों में कभी जड़ों में अप्लाई ना करें, ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ आए। तो इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, और क्वांटिटी हमेशा कम लगाएं, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये थोड़े जो इसके जो टेक्सचर हैवी है, ऑयल जैसा इसमें से लग रहा है। और स्मेल की बात करूँ तो जो इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा सिंथेटिक आर्टिफिशियल है, मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं आई। तो खैर, ये बात हो गई सीरम की। अब बात करती हूँ लेवॉन हेयर सीरम की। इसका जो टेक्सचर है वो भी मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया इसका 3 से 4 ड्रॉप के करीब लिया, और इसका जो टेक्सचर है दोस्तों बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। जैसे मैंने बात की इसकी कंपैरिजन में अगर इसकी बात करूँ तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। जी हाँ, ये और मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैंने दोनों को यूज़ किया तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अपने बालों में तेल लगा रखा हो जैसे स्ट्रिक्स हेयर सीरम को लगाने की बात होता है। मैंने दोनों ही पर्सनली यूज़ किए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरी जो बॉटल है बिल्कुल आधी हो चुकी है। मैंने बहुत यूज़ किया लेवॉन हेयर सीरम, मैंने और भी ब्रांड के हेयर सीरम्स यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे लेवॉन बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है वो तो आप देख ही रहे हैं। और इसकी भी मैंने यूज़ किए हैं रिव्यू देने के लिए। बड़ी बॉटल मेरी खत्म हो गई, छोटी बॉटल मैं लेकर के आई थी ताकि आप लोगों को रिव्यू दे सकूं। तो खैर, तो ये बात हो गई लेवॉन हेयर सीरम की। आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेटेड है, आप मेरे कहने पर मत जाइएगा, आप इसे खुद ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड एंड नॉन ग्रीसी है। तो जैसे मैंने कहा, लेवॉन हेयर सीरम को अगर आप किलो वैसे यूज़ करने का तरीका भी क्या है, जब भी आप बाल धोते हैं तो आपको बाल को पूरे कम्प्लीटली ड्राई नहीं करता, आपको सिर्फ ना डैम्प हेयर जिसे बोलूँ, जब बाल हल्के गीले होते हैं उसमें 3 से 4 ड्रॉप को लेकर के आपको बालों में अप्लाई करना होता है। जी हाँ, अगर आप इस तरीके से अपने बालों में सीरम को अप्लाई करते हो तो ट्रस्ट में आपके जो बाल होंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैनेजेबल हो जाएंगे, फ्रिजीनेस जिसे बोलूँ खत्म हो जाएंगे, बालों में जो ट्राइंगल हो जाती है, जो गांठी पड़ जाती है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मैं लेवॉन हेयर सीरम के बारे में बोल रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ पर्सनली, और अगर आप इसे सीरम को यूज़ करते हैं तो सबसे खास बात ये है कि जो हमारे बाल में
में ड्राइनेस आ जाती है, इसकी वजह से बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, रफनेस आ जाती है, बिल्कुल भी नहीं होता है सीरम, हेयर सीरम को लगाने के बाद। और बात करो तो इसको बहुत ही कम क्वांटिटी आपको लेना पड़ती है, अगर आप थोड़ा से भी अप्लाई करते हो तो ये बहुत ज्यादा होता है। आप इसे अपने ड्राई बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा हेयर सीरम है। बात करूँ रेटिंग की तो मैं ऐसे पर्सनली बात करूँ रेटिंग की तो मुझे, मैं इसे 5 में से करीब 4 की रेटिंग दूंगी, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, आप बिल्कुल से ट्राई कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला तो पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल हो गई, जी हाँ, स्मेल भी बहुत अच्छी स्मेल है, लाइट स्मेल है। बहुत डिसएडवांटेज है तो मेरे ख्याल से इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है लिवॉन हेयर सीरम का, ये सिलिकॉन बेस है, जी हाँ, बाकी इसके अलावा इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है बिल्कुल भी। इसे खरीदने के बाद आपको कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ कि पैसे बर्बाद हो गए, बिल्कुल नहीं, आपको ये मेरे ख्याल से मस्ट बाय प्रोडक्ट है। बात करती हूँ हेयर स्ट्रिक्स हेयर सीरम की, तो सबसे पहला जो मैं बोलूंगी इसकी जो एडवांटेजेस, जैसे मैंने बताया तो उसकी एडवांटेज सबसे पहला ये है, इजी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आप बात करूं तो दूसरे जो इसका एडवांटेज है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी है, प्राइस बहुत अच्छा है ये तीसरा, और चौथे की बात करूं तो ये आपके बालों को कुछ वक्त के लिए तो शाइन बनाता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में यूज करते हो तो मेरे ख्याल से ये आपके बालों को चिपचिपा बनाता है एज कम्पेयर टू लिवॉन हेयर सीरम के। तो जी हाँ, इस तरीके से अगर इसमें तीन, अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों के कंपैरिजन में लिवॉन हेयर सीरम बेस्ट है। अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं इन दोनों में से, तो आप लिवॉन हेयर सीरम को यूज़ कर सकते हैं, अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत अच्छा है, जी हाँ, ये बात मैंने आपको कई बार बताई। तो जी हाँ दोस्तों, यही था मेरा आज का रिव्यू, दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया और मेरा रिव्यू पसंद आया और इन दोनों में से आप कुछ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और वीडियो मेरा पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।